दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ के स्मृति में व्याख्यानमाला के पांचवें दिन राजनीति विज्ञान नाथ पंथ राष्ट्र चिंतन एवं राष्ट्र निर्माण पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर महेंद्र कुमार ने किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि समाज की उन्नति में राष्ट्र उत्थान प्रतिबिंबित होता है। जब यह समाज ऊर्ध्वगति से कार्य करता है तो राष्ट्र उन्नति करता है। आज से हजारों वर्ष पूर्व गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त जाति की जड़ता, छुआछूत की विषमता, अमानवीय रूढ़ियों की बेड़ियां और आडंबर के जाल से मुक्त कराने हेतु किए सामाजिक क्रांति की शंखनाद नाथ पंथ था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना का जनक एवं संवाहक नाथ पंथ है। आज भी गोरक्षपीठ इस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। महायोगी गोरखनाथ पहले तपस्वी हैं, जिन्होंने विशुद्ध योगी एवं तपस्वी होते हुए भी सामाजिक राष्ट्रीय चेतना का नेतृत्व किया। उनके बाद महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ से होते हुए योगी आदित्यनाथ तक नाथ पंथ की इस योगी परंपरा ने प्रत्येक प्रकार के सामाजिक कुरीतियों का मुखरता के साथ प्रतिकार किया। नाथ पंथ की परंपरा में विश्व का सर्वोच्च नाथ पंथी केंद्र गोरखनाथ मंदिर के कपाट सदैव सभी के लिए खुले रहते हैं। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका सिंह, इंद्रेश पांडे, डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव, श्रीमती निधि राय सहित छात्र व छात्राएं उपस्थित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा, जब मुझसे कहा गया कि इस व्याख्यान माला में आपको अपने विचार रखने हैं, तो निश्चित रूप से मुझे एक दुविधा की स्थिति पैदा हुई मेरे मन में कि क्या मैं इतनी महान विभूति के बारे में या वो जिस संप्रदाय से आते हैं उसके बारे में कुछ नया अपना कुछ मौलिक विचार रखने में समर्थ हो पाऊंगा कि नहीं। लेकिन इसके साथ ही मुझे खुशी भी हुई, प्रसन्नता भी हुई कि मुझे इस शहर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय ने ऐसे विषय में बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। मैंने कुछ रिसर्च किया, कुछ शोध किया और जैसा कि अभी इंद्रेश जी ने बताया कि मैं पत्रकारिता से शिक्षण में आया। मैंने करीब 13-14 साल पत्रकारिता की, उसके बाद मैं अध्यापन के क्षेत्र में आया। तो मुझे यहाँ आने के बाद जो आम लोग गोरखपुर के बारे में, नाथ पंथ के बारे में, श्री गोरखनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं, उससे कुछ आगे जानने की जिज्ञासा मेरे मन में पैदा हुई और मैंने मंदिर गया। मैं वैसे तो एक जो है भक्त की तरह जब से बचपन से ही मैं जाता रहा हूँ, लेकिन एक शोधार्थी की तरह
एक शिक्षा जगत से जुड़े व्यक्ति की तरह मैं पहली बार गया। ये 7 दिनों तक चलने वाली गोष्ठी है महंत दिग्विजय नाथ की स्मृति में व्याख्यान वाला, उन्हीं के नाम पे ये महाविद्यालय है और वो इसके संस्थापक भी है। और इसकी स्थापना के 1 महीने बाद ही वो ब्रह्मलीन हो गए थे। तो प्रतिवर्ष हम लोग 25 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक 1 सप्ताह ये कार्यक्रम चलाते हैं। आज के व्याख्यान का जो शीर्षक है वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सन्यासी की आंदोलन और सन्यासियों की भूमिका, इस पर व्याख्यान देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह हमारे बीच हैं और वो अपने विचार रख रहे हैं। अब आज तो राष्ट्रीय आंदोलन पे हुआ, कल का जो विषय था वो शिक्षा संस्कृति और राष्ट्रीयता पे था। एक दिन उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ, एक दिन जो है तकनीकी शिक्षा में जो है तकनीकी विकास और कौशल इस पर केंद्रित रहा, तो आज 5वां दिन है और आज का विषय जो है राष्ट्रीय आंदोलन में सन्यासियों की भूमिका।